हेलो दोस्तों, ये है एस्टेट परीक्षा की क्वेश्चन पेपर जो फिर से एग्ज़ाम हुआ था उसका, और फिजिक्स का है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन इट्स मीन्स नन ऑफ दीज। एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सर्फेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैक्टर क्वान्टिटी? इट्स एक्सलरेशन। प्लांट्स विच ग्रो ऑन सलाइन सॉलिड्स आर? हेलोफाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप? सी। इन एनी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी द की वर्ड इज इंटरैक्शन। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट ऑल ऑफ दिस। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, मेकिंग प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, वेलकमिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। एट नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेबल ऑफ टीचिंग? अन्वेषी, एक्सप्लोरेटरी। नाइन्थ क्वेश्चन, मिनिमम लेबल्स ऑफ लर्निंग ले इम्फेसिस ऑन? सी ऑप्शन, दक्षता आधारित अधिगम पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैव बीन गिवेन अ ट्रायल फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रेन? ब्रेन स्ट्रॉमिंग प्रोसीड्योर। Presently, the Secretary General of United Nations Organization is Antonio Guterres. At present, the Chairman of Rajya Sabha is M. Venkaiah Naidu. At which place did Mahatma Buddha give his first Dharm Chakra Pravartan? सारनाथ। द वर्ड चाइना मैन इज यूज इन विच गेम? इट्स क्रिकेट। द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क इज काठमांडू, नेपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? 5th June. The author of the book Buddha Charitam was Ashwaghosh. भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है एलोरा। The first 5-year plan in India was started on April 1, 1951. राज्यसभा के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक एवं संज्ञात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता की संकल्पता की ग्रहणता को दर्शाता है? According to Piaget, in which stage of development the child shows attainment of concept or reversibility or as a cognitive capacity, concrete operational stage?
मूल्यांकन की व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में विभेदकारी लक्षण है। इसमें जब आंसर की आया था तो सी एंड डी दोनों ऑप्शन दिया था, प्रिजुडाइज और इम्पार्शियलिटी। किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके, दृष्टिकोण स्थापित करके, सूचना भार में वृद्धि करके, या उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके। इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इन्हेंस्ड बाय ए एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, बी इस्टेब्लिंग अ व्यू पॉइंट, सी इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड एंड डी यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो ट्यून। आंसर इज इस्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण स्थापित करके। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, काल्पनिक, गैर विवरणात्मक, नंदभूतिक, अमूर्त। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशली बी कॉन्ट्रीव्ड, नॉन डिस्क्रिप्टिव, इम्फेथेटिक, एब्स्ट्रैक्ट, इम्फेथेटिक। ये 25th क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए व्यावहारिक जीवन से अधिक उदाहरण का उपयोग, विभिन्न प्रकार की सहायक पठन सामग्री का अति अधिक उपयोग, विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देना, श्यामपट्ट को सर्वाधिक उपयोग। व्हाट शुड अ टीचर डू टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम टीचिंग? एक्सटेंसिव यूज ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल एड्स, गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, और मैक्सिमम यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन करेक्ट आंसर इज सी, गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस। सतत व्यापक मूल्यांकन में सतत सबसे तात्पर्य है प्रतिदिन का आंकलन, सख्त आंकलन, सतत आंकलन, नियमित आंकलन, एवरीडे असेसमेंट, रिगरस असेसमेंट, ईयर एंड असेसमेंट एंड रेगुलर असेसमेंट। आंसर इज नियमित आंकलन, रेगुलर असेसमेंट। कक्षा में संप्रेषण का सबसे कठोर निम्नलिखित में से कौन सा है? कक्षा में शोर, अध्यापन सहायक सामग्री का अभाव, अध्यापक की घबराहट या भ्रांति, और कक्षा में बाहर का अधिक शोर शराबा। द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इज ए नॉइज इन द क्लासरूम, बी लैक ऑफ टीचिंग एड, सी कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एंड डी मोर आउटसाइड डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम। आंसर इज कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, अध्यापक की घबराहट या भ्रांति। निम्नलिखित में से किसको आप पाठ्य सहगामी क्रिया का नाम देंगे? ए वाद विवाद प्रतियोगिता, विद्यालय प्रयोगशाला के लिए निधि एकत्रित करना, हॉकी मैचों की व्यवस्था करना, या इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिगार्ड एज अ को करिकुलर एक्टिविटी? ए डिबेट कॉम्पिटिशन, बी कलेक्शन ऑफ फंड्स फॉर स्कूल लेबोरेटरी, सी ऑर्गेनाइजिंग हॉकी मैचेस, डी ऑल ऑफ दीज। आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। मापन की कौन सी मापनी का रूप सरलतम है? क्रम सूचक, अंतराल, अनुपातिक, नाम मात्र। विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट? ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो और नॉमिनल। आंसर इज नॉमिनल। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापन का एक लक्षण है? या एक फर्स्ट ए या अंतर व्यक्तित्व है, या अतः क्रियात्मक होता है, या सभ्यवाय होता है, इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टीचिंग? ए इट्स इंटरपर्सनल, इट इज इंटरैक्टिव, इट इज इंटेंशनल, डी ऑल ऑफ दीज। आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व निम्न में से किसके प्रति है? ए छात्र, बी समुदाय, सी विद्यालयों के अधिकारी, डी पढ़ाए जाने वाला विषय। द टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी इज टूवर्ड्स ए स्टूडेंट्स, डी बी कम्युनिटी, सी स्कूल अथॉरिटीज एंड डी सब्जेक्ट ही और शी टीचर्स। तो आंसर इज स्टूडेंट्स।
बच्चे में अवधारणा निर्माण किस पर आधारित होता है? ए उसका बुद्धि स्तर, बी उसके द्वारा प्राप्त पूर्व अनुभव, सी वह वातावरण जिसमें बालक पढ़ता बढ़ता है, डी इनमें से सभी। कंसेप्ट फॉर्मेशन इन द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन ए हिज और हर इंटेलिजेंस लेवल, बी द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ही और सी हैड, सी द एनवायरनमेंट इन विच सी ग्रोज, डी ऑल ऑफ दिस। आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। छात्र सबसे अधिक किस विधि से सीखते हैं? ए स्वयं करके, बी सुनकर, सी देखकर, डी पढ़कर। द स्टूडेंट लर्न टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बाय विच मेथड? बाय डूइंग देमसेल्व्स, बाय लिसनिंग, बाय सीइंग, बाय रीडिंग। इसका आंसर आंसर की में है इसका ए बाय डूइंग देमसेल्व्स। कक्षा कक्ष में अभी प्रेरण की कुंजी है ए शिक्षक का व्यक्तित्व, कक्षा कक्ष में भावनात्मक वातावरण, सी विषय सामग्री में अंतर्निहित रुचि, डी अनुकूल पाठ्यचर्या का अनुभव। द की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम इज द टीचर्स पर्सनैलिटी, द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम, सी एन इंटरेस्ट इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, डी द सुटेबिलिटी ऑफ द करिकुलम एक्सपीरियंसेस। द आंसर इज सी एंड इंटरेस्ट इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, विषय सामग्री में अंतर्निहित रुचि। 36 क्वेश्चन। एक अध्यापक ने छात्रों को दी गई कहानी का सारांश लिखने को कहा। अध्यापक कौन से शैक्षणिक उद्देश्य का मापन कर रहा है? ज्ञानात्मक, बोध, संश्लेषण, डी अनुप्रयोग। ए टीचर हु आस्क्स द स्टूडेंट टू राइट द समरी ऑफ अ गिवन स्टोरी इज मेजरिंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू ए नॉलेज, बी कॉम्प्रिहेंशन, सी सिंथेसिस, ए डी एप्लीकेशन। द करेक्ट आंसर आंसर की गिवन इज कॉम्प्रिहेंशन, बोध। 37 क्वेश्चन। शिक्षा का एक उद्देश्य मूल निर्धारण होता है आता है ए संज्ञात्मक क्षेत्र में, बी भावनात्मक क्षेत्र में, डी मनोज्ञात्मक क्षेत्र में, डी संज्ञात्मक या मनोज्ञात्मक दोनों में। आंसर इज बी भावनात्मक क्षेत्र में। वैल्यूइंग ऑफ एन इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर अ कॉजिनेटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमीटर डोमेन और कॉजिनेटिव एज वेल साइकोमीटर डोमेन। तो आंसर इज अफेक्टिव डोमेन। एक सकारात्मक शारीरिक चित्रण का संबंध है ए बुद्धि से, बी ऊंचाई से, सी आत्मसम्मान से, डी आत्मविभक्ति से। ए पॉजिटिव बॉडी इमेज इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ए इंटेलिजेंस, बी हाइट, सी सेल्फ एस्टीम और डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आंसर इज सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान से। गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना में बताई गई शिक्षण विधियाँ किस विचारधारा के समतुल्य हैं? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। इन गांधी जी स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन द रिकमेंडेड मेथड्स ऑफ टीचिंग आर इक्विवेलेंट टू द आइडियोलॉजी ऑफ। इसका आंसर की में नहीं दिया गया था। ऑप्शन आप बताएं कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है। आयरलिज्म, प्रैगेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। 40 क्वेश्चन नंबर। उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर किसने बल दिया? ए मारिया मॉन्टेसरी, बी स्वामी विवेकानंद, डी सी रविंद्रनाथ ठाकुर एंड डी महात्मा गांधी। हु हैज एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ एजुकेशन थ्रू द प्रोडक्टिव वर्क? ए मारिया मॉन्टेसरी, बी स्वामी विवेकानंद। द आंसर इज महात्मा गांधी। महाराजाधिराज पद करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? कुमार गुप्त। किसी वृत्त की 30 सेमी लंबी जीवा केंद्र से 8 सेमी दूरी पर स्थित है तो वृत्त की त्रिज्या है? द कॉर्ड इज मैस टू सॉल्व इट। द आंसर विल बी 17 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन। नाउ इट्स ऑल मैस, लेट मी रीड द क्वेश्चन। The sum and the product of two numbers are 12 and 35 respectively. What will be the sum of their reciprocals? Just solve, you get the answer.
इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस मैथ्स टाइप क्वेश्चन. Oranges are brought at the rate of 10 for rupees 25, sold at the rate of 9 for rupees 25. The profit percentage, just solve, you get the answer. And this marks in mathematics for 5 student was found to be 50. Later, it was discovered that in the case of 1 student, the marks rate was marked as 84. The current average is this reasoning type question. See the figure. 7, 15, 31, 63, 1, 2, 7. There must be logic. Find the logic and get the answer. In the certain code language, CARE is written as BZQD to find the Lehman logic. Now 48, there's a question. The composition of water gas is what? Carbon monoxide and hydrogen is the composition of which of the following substance has a maximum calorific value? किस में होता है calorific value सबसे ज़्यादा? Is hydrogen. The molecular mass of heavy water is 20. So this was all 50 questions. इंटरेस्टेड यही क्वेश्चन आए थे, प्लीज रिवाइज इट. नेक्स्ट एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. थैंक यू.